नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ मीन लग्न मीन राशि वालों का अक्टूबर का महीना कैसा जाने वाला है। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन जरूर क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो लग्न भाव में कोई ग्रह नहीं है, लग्नेश जो है गुरु वो अष्टम चले गए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी लग्नेश अष्टम जाते हैं तो तबीयत में काफ़ी गड़बड़ी दिखती है, या समझ लीजिए कि मानसिक रूप से थोड़ा सा आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं। दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वितीयेश मंगल जो है वो छठे आ गए हैं। तो यहाँ पर आपके पराक्रम में काफ़ी इंक्रीमेंट है और द्वितीयेश होने के कारण वे छठे भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर खर्चा हो सकता है, किसी भी काम के सिलसिले में बाहर जाना या विरोधियों द्वारा कुछ ऐसी हरकतें कर देना जिससे आपका खर्चा बढ़े। तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, तृतीयेश शुक्र जो है वो छठे चले गए हैं। तो यहाँ पर पराक्रम काफ़ी आपका अच्छा बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपको विरोधियों से विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा। चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है, चतुर्थेश जो है वो सप्तम में विराजमान है। तो यहाँ पर पत्नी से काफ़ी अच्छा सुख मिलेगा आपको, मतलब दाम्पत्य जीवन काफ़ी बेहतरीन बना रहेगा और सुख के स्थान पर मतलब आपके घर के स्थान में काफ़ी शांति बनी रहेगी। पंचम भाव में राहु विराजमान है। तो यहाँ पे आपके बच्चों का जो बर्ताव है थोड़ा सा उग्र हो सकता है, हालांकि उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, उसमें आपको विशेष परिवर्तन नहीं मिलेगा। और स्पेशली विद्यार्थी लोग जो है उनका दिमाग इस महीने काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा और क्लास में या ट्यूशंस में आपका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि पंचम में जब भी राहु आते हैं तो मेमोरी को शार्प बनाते हैं। छठे भाव में मंगल और शुक्र विराजमान है। तो यहाँ पर काम की जगह पे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचिए या किसी भी तरह के विरोधियों के जो भी उठपटंग के काम होते हैं आपके काम को हैम्पर करने के लिए, उस ओर थोड़ा सावधान रहिए। सप्तम भाव में सूर्य और बुध का एक बुधादित्य योग बना हुआ है। हालांकि सप्तम भाव में बुध अच्छा फल देता है क्योंकि वो चतुर्थेश भी है, लेकिन सूर्य जो है वो षष्ठेश होकर सप्तम भाव विराजमान है। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत कलेश, जैसे आपस में किसी बात को लेकर बहस हो जाना, इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो कोशिश कीजिए कि इस तरह का बहस जो है अवॉइड करने की, एक दूसरे को अच्छे तरीके से सहमति दीजिए। अष्टम भाव में गुरु खुद विराजमान है। तो जैसा कि मैंने कहा कि लग्नेश जब अष्टम जाते हैं तो मानसिक अशांति या तबीयत में गड़बड़ी दिखाते हैं। नवम भाव में शनि विराजमान है जो कि द्वितीयेश और एकादशेश है। तो लगभग लगभग इनकम आपका इस महीने अच्छा जाने वाला है। दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है, दशमेश जो खुद लग्नेश भी हैं वो अष्टम पड़ गए हैं। तो काम की जगह पर भी आपको थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, तो सावधानी से अपना काम कीजिए। एकादश भाव में चंद्र और केतु विराजमान है। तो यहाँ पर फटका इनकम या समझ लीजिए किसी भी तरह का ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपने पहले किया हो उसका अच्छा रिटर्न मिल सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से कोई धन आपका अटक जाए, क्योंकि जब भी एकादश भाव में केतु और चंद्र विराजमान होते हैं तो ऐसी अवस्था में अचानक के रिजल्ट देते हैं, जैसे अचानक कहीं से धन की प्राप्ति या अचानक कहीं पे धन का लॉस या काम अटक जाना। द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वादशेश शनि जो है वो नवम में है। तो जैसा कि मैंने कहा, खर्चा इस महीने लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन इनकम भी लगभग अच्छा रहेगा, मतलब मिला जुला के आपको काफ़ी बैलेंस तरीके से इस महीने चलना है। एक बात का ध्यान रखना है, विशेषकर आप ज़्यादा मानसिक टेंशन ना लें, मेंटल टेंशन को अवॉइड करें और अपने तबीयत के ऊपर ख्याल रखें। तो दोस्तों, ये था मीन राशि मीन लग्न वालों का अक्टूबर का महीना। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सके। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।